हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपका पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल में, एंड नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है। चलिए देखते हैं कि क्या है इस पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। डेथ, मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोड्स। कप्स के कार्ड बहुत आए गाइस यहाँ पे। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड वी हैव जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्कॉर्पियो। ओके, बट साइन कोई भी हो, ये पार्टनर ना बहुत लविंग एनर्जी फील कर रहे हैं आपके लिए, बिकॉज हमारे पास तीन कप्स के कार्ड आए हैं, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। सबसे पहले तो ये पार्टनर ना आपको लव ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर ना आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं हर तरह से, ठीक है। ये पार्टनर जानते हैं कि ये डिसेप्टिव हैं, इन्होंने आपको हर्ट करा है, इन्होंने आपको ब्लॉक करा है, या फिर आपसे बात करनी बंद करी, या फिर आपका दिल दुखाया है इस पार्टनर ने, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है कि आप काफ़ी नाराज़ हो इस पार्टनर से, या फिर इस पार्टनर ने आपको बहुत लेट डाउन फील करवाया है, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर जो है ना, अब उस चीज़ में एंडिंग चाहते हैं और नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, तो ये पार्टनर सच में चाह रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो अपनी एनर्जी में चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। और आई थिंक ये पार्टनर ना आप चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। मे बी आपने इस पार्टनर को ना बहुत मैनिफेस्ट करा है काफ़ी टाइम से, तो इस पार्टनर की एनर्जी में बहुत चेंज आ रहा है, ठीक है। और आई थिंक अब ये पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट करें, ये पार्टनर भी चाह रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाओ। यहाँ पे बहुत एक मैनिफेस्टेशन चल रही है बहुत ज़्यादा, तभी इस पार्टनर की एनर्जी में इतना चेंज आ रहा है। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो बहुत ही लविंग एनर्जी है, इनोसेंट लव ऑफर, नई शुरुआत चाह रहे हैं ये आपके साथ, ठीक है। मतलब ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। देन वी हैव दिस किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली ये आप, ये पार्टनर ना आपके किंग ऑफ कप्स है, ठीक है। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ट्रू लव करते हैं ये पार्टनर आपसे, और ये लव ये एक्चुअली फील कर रहे हैं आपके लिए। तो मे बी ये पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं बेसिकली, तो ये पार्टनर और आपकी तरफ ना अब ये सब कुछ भुला के, जो भी हुआ पास्ट में वो भुला के नई शुरुआत करना चाहते हैं। और देख लेते हैं इस पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ट्रू फीलिंग्स इस पार्टनर, बाउंड्रीज, गार्डन, अबंडेंस एंड वी हैव सेक्शुअल फ्रीडम। तो अभी इस पार्टनर ने जो है ना, ये आपसे बाउंड्री बना रखी है, ठीक है। अभी मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि पार्टनर एक्चुअली आपके लिए फील क्या करते हैं, आप ना कन्फ्यूज़ हो, क्योंकि ये पार्टनर आपको पता चलने ही दे रहे हैं। इस पार्टनर ने आपसे बाउंड्री बना रखी है, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि, ये जानते हैं कि इनकी लाइफ की जो ग्रोथ है, इनकी सोल की जो ग्रोथ है ना, वो आपके साथ ही होगी, ठीक है। तो ये आपके साथ एक अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ एक खुश रहते हैं, ठीक है। और ये पार्टनर ना आपको लव करना चाहते हैं हर तरह से, फिजिकली भी, इमोशनली भी, आपके करीब आना चाहते हैं, सेक्सुअल फ्रीडम। तो ये काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं आपसे, ठीक है, फिजिकली भी। देन वी हैव गार्डन, तो ये पार्टनर ना आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन मानते हैं, ठीक है। और ये पार्टनर ना ये ब्यूटिफुल गार्डन, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ये सब चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एक नई शुरुआत है इस पार्टनर के मन में आपके लिए, लेकिन ये पार्टनर ने अभी भी आपसे बाउंड्री बना रखी है। तो चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पार्टनर फॉर यू। वी हैव दिस बेस चक्रा, तो पार्टनर वर्क कर रहे हैं अपने बेस चक्रा पे, ठीक है। और ये ना अब स्टार्टिंग से, मतलब बेस से, इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और अगर इस पार्टनर के कुछ इश्यूज है ना, एंगर इश्यूज, एटीट्यूड या स्टबर्न, उस पर भी वर्क कर रहे हैं ये। और देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, डिसेप्शन एंड एनवी। लवर्स कार्ड आएगा इस,
मटीरियल हार्वेस्ट एंड वेटिंग गेम। तो ये पार्टनर आपको वेट करवाएंगे थोड़ा और, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट और करवा सकते हैं ये पार्टनर। देन वी हैव दिस, क्योंकि ये पार्टनर ने ना आपको डिच करा है, या तो या फिर आपका भरोसा तोड़ा है, या फिर आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ा है इस पार्टनर की वजह से इमोशनली भी, जो आप नहीं चाहते थे। तो ये पार्टनर डिसेप्टिव है, ठीक है, मे बी पार्टनर अपना ट्रू फेस नहीं दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि इस पार्टनर ने बाउंड्रीज बना रखी है, ये नहीं पता चलने दे रहे कि कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन अब ये पार्टनर ना चॉइस लेंगे, डिसीजन लेंगे, मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस। तो अब ये पार्टनर डिसीजन लेंगे आपके पास आने का, लेकिन डेफिनेटली ये पार्टनर आपको वेट भी करवाएंगे, आपको और वेट करना पड़ेगा इस पार्टनर का, मे बी 2 दिन या 2 हफ्ते या कुछ लोगों के 2 महीने, ठीक है। तो वेटिंग गेम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पार्टनर बिजी हैं अपने वर्क में, मटेरियल हार्वेस्ट। ये पार्टनर अपनी अबंडेंस बना रहे हैं, अपना मटेरियल हार्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा कर रहे हैं ये पार्टनर अपनी लाइफ में, ताकि ना ये आपको लाइफ की सारी हैप्पीनेस दे सके। लेकिन ये पार्टनर का लव जो है ना वो सच्चा है आपके लिए, हार्मनी और आपका यूनियन दिख रहा है मुझे, ठीक है। 6 वीक्स हो सकता है, 6 डेज हो सकता है, ठीक है, 6 आवर्स हो सकता है, लेकिन ये पार्टनर डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, बात करेंगे। यूनियन है आपका, हार्मनी कार्ड आया है, लवर्स कार्ड आया है, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर बोल रहे हैं कि आप इनका वेट करो, ये पार्टनर चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, ठीक है, क्योंकि पार्टनर अभी भी टोटली मतलब ट्रू फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हैं आपसे। दिल से तो आपसे बहुत लव करते हैं ये, और देखते हैं आगे क्या होगा आपके रिलेशन में। हायर पावर, तो ये रिलेशनशिप जो है ना ये स्पिरिचुअली गाइडेड है, हायर पावर स्पिरिट्स एंजल्स जो है ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। चॉप वुड, तो रिलेशनशिप में ग्राउंडेड आएगी, जो भी मतलब पुराने मसले हैं, पुरानी जो प्रॉब्लम है ना वो आप इस सब कुछ बाहर निकाल के फेंकोगे, ठीक है, और एक नई शुरुआत करोगे। जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। ब्लेस्ड, तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है, डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, और ये पार्टनर ना बहुत ब्लेस्ड है, और आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है ये, कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आ रहे हैं और फिर से नई शुरुआत हो रही है। बाय द बुक, ठीक है, तो मे बी ये पार्टनर ना आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा सकते हैं, ठीक है, या फिर है ना एक मतलब कोई मीटिंग हो सकती है आपके और उनकी फैमिली की इन फ्यूचर। कार्ड नंबर 11, ठीक है, गैदरिंग हो सकती है कुछ। टाइम टू गो, तो अभी टाइम है खुद पे फोकस करने का, अभी टाइम है इस रिलेशनशिप पे फोकस ना करके सारा फोकस खुद पे करने का, ताकि आप दोनों सेम पेज पे आ सको, ठीक है, अभी आपको इस पार्टनर के पीछे नहीं भागना है। पॉइस, तो अभी अभी टाइम है खुद की सेल्फ ग्रोथ का, खुद को अच्छा बनाने का, खुद की कमियों को पहचान के उसको सही करने का, ठीक है। पॉइस कार्ड, तो यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, और यहाँ से हम गाइडेंस निकालते हैं। वी हैव दिस, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये पार्टनर सही है आपके लिए, ये पार्टनर आएंगे वापस से, सब कुछ सही हो जाएगा, तो उस पर ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल, तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आपसे मिलने आ सकते हैं ये बहुत ही जल्द। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, तो ये पार्टनर थोड़े से बिजी है अपने फाइनेंसेस में, दैट्स वाई आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एंड वी हैव फैमिली मैटर्स, तो फैमिली जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। टाइम टू एक्ट, तो एक्शन कार्ड आएगा इस, तो एक्शन तो ये पार्टनर पक्का लेंगे आपके लिए। सेलिब्रेशन फन इन्जॉयमेंट, तो सेलिब्रेशन फन इन्जॉयमेंट भी आ रहा है आपकी लाइफ में इस पार्टनर की साइड से। समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, देखा वो कार्ड था डिसेप्शन एनवी, तो ये पार्टनर अभी भी स्टबर्न है, ये वर्क कर रहे हैं अपने बेस चक्र पे, ठीक है, स्टबर्न है, ईगोइस्टिक है ये, लेकिन जब इनका ईगो ख़त्म होगा तभी आएंगे ये वापस। गारंटीड सक्सेस, तो सक्सेस गारंटीड है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में, तो आप टेंशन मत लो। चलिए गाइडेंस निकाल लेते हैं, आपको क्या करना है। ट्रांजिशन टू योर हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट, तो अभी आप जिस एनर्जी में हो ना, आपको उससे अपने हायर लेवल में जाना है, ठीक है, आपको नीचे और नहीं आना है, आपको अब हायर अपनी एनर्जीज को हायर करना है, ताकि ये पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो सके। लिटिल लग्जरीज, जनरेट लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग्स, तो मे बी ये पार्टनर बिजी है अपनी लग्जरीज इकट्ठा करने में, फिर आपको भी
ध्यान देना पड़ेगा अपनी लग्जरीज में, अपने फाइनेंसेस पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ एंड अ सेंस ऑफ वर्थ। तो आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है, सेंस ऑफ अपनी वर्थ समझनी है, ठीक है, अपने अपने प्यार पे और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। देन अर्थ, तो ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो इस रिलेशनशिप में ग्राउंडिंग आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आपको सारा फोकस अभी खुद पे रखना है, बिकॉज वेटिंग गेम का भी काटो, वेट करना पड़ेगा आपको इस पार्टनर का, लेकिन ये पार्टनर आपसे लव करते हैं, ये गारंटीड है, ठीक है। सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।